देखिए हम इस समय मौजूद हैं ब्लॉक ठाकुर द्वारा के शेरपुर पट्टी गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य कराए जा चुके हैं, जिसकी जानकारी हम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। आइए चलते हैं प्रधान के पास। प्रधान जी, यहां 4 साल लगभग आपके कार्यकाल को बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने यहां गाँव में दिए? सीसी टैब्स हुई है, शौचालय है, सीसी टाइल्स कितना मीटर आपने यहाँ करवा दिया होगा? लगभग 1400 मीटर। 1400 मीटर। इसके अलावा यहाँ पर गांव वालों को पेंशन वगैरह मिल रही है? सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ यहाँ गांव वालों को मिला है? जी। किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा है वो कितने परसेंट आ गया है? कुछ 60% आ गया, 40% रह रहे हैं अभी। इसके अलावा आपने गांव वालों को क्या ऐसी कुछ विकास दिया है जिससे गांव में कुछ बदलाव आपको नजर आया हो? हाँ, वर्मी कंपोस्ट किसान के लिए, वर्मी कंपोस्ट खाद के गड्ढे हैं। अच्छा। और अन्य सुविधाएं हैं। किसानों को बीजों पर सब्सिडी मिलती है? हाँ, मिलती। यहाँ आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह मिले हैं सभी के? सब्सिडी उन्हीं लोगों को मिलती है जो बता दिया गया उनसे कि आप इसमें अपना पंजीकरण करा लें। फर्क हुआ, मतलब सभी को नहीं मिलती अभी? उन्हीं लोगों को मिलती है। स्कूल पर आपने क्या कार्य करवाए हैं? यहाँ टैल्स, सीसी टैल्स लगवाई हैं, शौचालय ठीक कराए हैं। यहाँ जब आपने सौंदर्यकरण करवाया है स्कूल में, उसके बाद में आपको यहाँ पे बदलाव नजर आया? छात्रों की संख्या बढ़ी है। हाँ। शिक्षक यहाँ पर किस तरह से हैं, समय पर आते हैं सभी? शिक्षा का स्तर अच्छा है स्कूल में? अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? किस तरह विकास के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सड़कों का अच्छा हुआ, ध्यान रखें। सड़कें क्या यहाँ कच्ची है अभी? ना, हाँ कुछ कहें। कितने मीटर सीसी से पक्का हो जाएगा पूरा वहाँ? लगभग अभी 1500 मीटर और। 1500 मीटर और जरूरत है यहाँ पर। यहाँ आवासों की जरूरत है, कुछ गरीब लोग हैं जिनके आवास अच्छे होंगे? कितने आवासों की यहाँ पर? यहाँ 16 आवास मिल चुके हैं सरकार द्वारा। अभी कितने बाकी ऐसे हैं जिनकी कच्ची छतें हैं, जिन्हें आवासों की जरूरत है? 24 आवास हैं। शौचालय तो अब यहाँ नहीं चाहिए? नहीं। सरकारी बिल्डिंग के अलावा यहाँ आपके गांव में स्कूल के अलावा सरकारी बिल्डिंग में क्या मौजूद है? बारात घर, पंचायत घर? पंचायत घर है। आंगनवाड़ी केंद्र है? आंगनवाड़ी केंद्र। खेल का मैदान? खेल का मैदान। शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब बना हुआ है? ये नहीं है। नहीं है तो शमशान घाट के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? मतलब रामगंगा जाते हैं? रामगंगा कितनी दूर आपसे? 500 मीटर। तो आपको क्या यहाँ शमशान घाट की जरूरत महसूस नहीं होती? हाँ, जरूर। आप चाहेंगे कि यहाँ शमशान घाट बनवाया जाए? प्रस्ताव दे रखा। इसके अलावा और क्या समस्या आपके गांव में ऐसी है जिसे आप प्रमुख मानते हैं, प्राथमिकता देते हैं, जिसका समाधान सरकार करे? रामगंगा का कटान। क्या वहाँ पर कोई पुल वगैरह? पुल नहीं, वो उससे यहाँ पिचिंग लग जाए तो उससे कटान किसानों को। अच्छा, यहाँ पर ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि यहाँ सरकार पत्थर वगैरह जो लगवाती है उसे रोकने के लिए? जैसा कि आपने देखा, हमने प्रधान से यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ प्रधान द्वारा करवाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हमने इनसे जाना है। यहाँ पर प्रमुख समस्या ये है कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ गंगा, रामगंगा बहती है, जिससे कटान होने पर किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि सरकार यहाँ पर पिचिंग वगैरह करवाए। और एक जो महत्वपूर्ण हमने यहाँ बात जानी है, प्रधान द्वारा करवाई जा रही है, जैसा कि आजकल बीमारी का प्रकोप है, डेंगू और कई अन्य बीमारियां खतरनाक फैली हुई हैं, उसी की रोकथाम के लिए यहां पर ये दवाइयों का छिड़काव करवा रहे हैं। ये इनकी अपने आप में काबिल तारीफ बात है। बाकी हम भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इनकी मांगों को पूरा करें। मैं नाज़रीन टुडे 24 से कुछ शिक्षकों से भी जानते हैं, यहाँ स्कूल में जो सौंदर्यकरण हुआ है उसके बाद में यहाँ इन्होंने क्या बदलाव देखा है, क्या ये जितना प्रधान द्वारा बताया गया है इतना हुआ है या नहीं? आप यहाँ कितने साल से हैं स्कूल में? मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया, तो यहाँ पर जो भी सौंदर्यकरण करवाया गया है प्रधान द्वारा वो आपके सामने हुआ होगा? हाँ, वो सब मेरे सामने हुआ है जी। उसके बाद में आपने यहाँ कुछ बदलाव देखा गाँव में? जी बिल्कुल, उसके बाद मतलब बच्चों की संख्या हमारे स्कूल में बढ़ी है। बढ़ी है, हाँ जी। और जैसे पहले क्या था कि कच्चा हुआ था यहाँ पर, तो बारिश में पानी भर जाता था खेल के मैदान में। अब जैसे टाइल्स लग गई हैं तो बच्चे आराम से खेल सकते हैं, बरसात की कोई दिक्कत नहीं। शिक्षकों की तो यहाँ कोई दिक्कत ऐसी नहीं, समय पर नहीं आते या बच्चे काफी अनुपस्थित रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब शिक्षकगण मतलब बिल्कुल समय पर आते हैं, बच्चे हमारे समय से आते हैं। खान पान की सुविधा यहाँ सही है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, खाना अच्छा बनता है, बच्चों को एकदम अच्छा खाना दिया जाता है।